जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो ये लोकेशन है यहाँ पे, ये आप देख आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ वाटर फॉल हो रहा है। आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम, दुनिया का सबसे ऊंचा, रहा आपका किसान पथ और वो रहा आपका इंदिरा डैम और ये रहा आपका यहाँ पे गोमती नदी। हे दोस्तों, मेरा नाम साहिल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला, अभी हम लोग मेन लखनऊ शहर से कह सकते हैं 10 किलोमीटर दूर आए हुए हैं इंदिरा डैम में घूमने के लिए। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये एक दोस्तों पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, तो हमने भी कहा चल के आपको घुमा देते हैं। और यहाँ से जुड़ी कई सारी चीजें हैं वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो उससे पहले चलिए आज के ब्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलता है इंदिरा डैम का। और इसमें जो पानी आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है शारदा नदी का, आपको इसमें पानी देखने को मिलता है। और ये पूरा रास्ता आया हुआ है, इधर से अभी हम लोग आए हुए थे, तो ये मतलब कच्चा रास्ता, मतलब उस समय का रास्ता, और बाकी वो जो आप देख रहे हैं वो आपका किसान पथ आ जाता है, तो वो पुल वगैरह काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। बाकी अभी हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, और अभी दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है, तो कुछ ही समय में यहाँ पे सनसेट भी होने वाला है। कौन है ये लोग? आपको हम व्यू दिखाएंगे यहाँ पे सनसेट का, जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी होने वाला। बाकी आइए चलते अपने कंटिन्यू करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को हम लोग। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो मेन इंदिरा डैम कह सकते हैं, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो ये लोकेशन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है अपना घूमने के लिए, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरा वीकेंड वाले दिन आ रहे हैं, सैटरडे संडे को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। बाकी अभी आप पानी का बहाव देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मतलब अभी बारिश वगैरह भी हमारे लखनऊ शहर में काफ़ी दिनों से हो रही थी। पिछले मतलब 3 दिन तो लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तो इधर 4 दिन से नहीं हुई है, तो वही इसलिए काफ़ी ज़्यादा पानी। और इसी के नीचे से दोस्तों गोमती नदी भी बहती, तो अभी हम आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे। बाकी अभी आप सामने की तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं सनसेट का यहाँ पे, यह अभी मतलब अभी तो आधा एक घंटा लगेगा ही लगेगा, उससे पहले हमने कहा आपको यहाँ का नज़ारा वगैरह दिखा देते हैं। तो इस तरीके का है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जैसे भी आप मेरे सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से वो मछली यहाँ पर पकड़ते हैं। और बाकी ये रहा पानी का बहाव, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा भाई अभी जा रहा, अभी देखेगा कैसे पकड़ेगा। नहीं, क्या बोला तूने? एक मछली यहाँ पे, अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भाई हमारा मछली पकड़ रहा है, छूट गई। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे इस इंदिरा नहर के नीचे की तरफ, और हम वापस चले गए थे हेलमेट लेने के, क्योंकि ये हेलमेट गाड़ी पे लगा हुआ था बाई चांस, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो आइए अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ, और कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे जीने वगैरह दोस्तों देखने को मिल जाते हैं नीचे जाने के। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, और आपको लेके चलते उधर गोमती नदी के पास में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे की तरफ, और ये रहा आपका इंदिरा डैम जो अभी आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। और यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ में भी वाटर फॉल हो रहे हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं ये सामने की तरफ वाटर फॉल हो रहा है, मतलब जो डैम का जो पानी है दोस्तों वो यहाँ से बह रहा है, थोड़ा सा लीकेज वगैरह होगा। तो बाकी आइए चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, तो आ ही गए, और यहाँ से नीचे उतरते हैं, और वो सामने की तरफ है गोमती नदी। तो दोस्तों, किसी तरह हम वहाँ से फांते उनते आए हों, क्योंकि डैम से जो पानी बह रहा है वो यहाँ तक आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। और इसी के जस्ट बगल में आपका एक वाटर पार्क है, ड्रीम वैली वाटर पार्क। भाई जिसने भी नाम सुना उसे पता होगा, मात्र 100 रुपये के अंदर आपको एंट्री मिल जाती है इस वाटर पार्क में। तो बाकी आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं गोमती नदी की तरफ, और वहाँ से आपको एक चीज़ मतलब बताते हैं, एक अद्भुत चीज़ जो इंजीनियरिंग का कह सकते हैं अद्भुत नमूना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इधर की तरफ, और आप देख सकते हैं ये रहा आपका इंदिरा डैम, और इसी से दोस्तों पानी जा रहा है, जो अभी मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाया था, तो इसी में भरा हुआ बेसिकली से डैम, और उसके बाद वहाँ से ये पूरी नहर चालू हो गई है। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और वहाँ पे ये सनसेट हो रहा है, बाकी देख पाते हैं कि हम लोग उधर साइड चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल ज़्यादा है, गोमती नदी की तरफ जा नहीं पाएंगे हमें लग रहा है, तो कोशिश करेंगे। वैसे वहाँ से रास्ता दिख रहा है, तो अगर जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी
तो दोस्तों आपको बताते चलें, ये जो आप अभी इंदिरा डैम में आपको दिखाने लाया था ना, इसकी एक खास बात ये है कि आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम, दुनिया का सबसे छोटा डैम, लेकिन ये एक ऐसा डैम है ना कि ऊपर से नहर बहती है और नीचे से नदी बहती है। नदी का नाम है दोस्तों गोमती नदी और नहर का नाम है इंदिरा नहर, इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों इंदिरा डैम। तो आइए चलते हैं हम लोग इधर साइड से नदी की तरफ, जो यहाँ पे गोमती नदी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम तो जा नहीं रहे थे, तो हमारे भाई जो हमारे साथ आए हैं उनका घर यहीं पे है, तो उन्होंने कहा नहीं चलो हम तुमको घुमाने लेके चलते हैं गोमती नदी की तरफ। तो ये कुछ रास्ता यहाँ पे दिया हुआ और अगल बगल पूरा जंगली जंगल है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, और ऊपर से भी पब्लिक हम लोग को देख रही है वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, किसी तरह दिखाते हैं आपको भाई, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहे थे जंगल में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और धन्यवाद हमारे भाई का जो हमको यहाँ पे ले गया है गोमती नदी के पास, और आपको दिखाने के लिए बेसिकली भाई ने कहा इतने दूर आए हो वीडियो बनाने के लिए, पास में ना जाओ तो बेकार, अपनी ऑडियंस को ना दिखा पाओ, तो चलो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोग यहीं तक आ पाए थे और यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा, तो हम लोग ने कहा आओ वापस चलते हैं, वहां से हम लोग को एक रास्ता देखने को मिला है, तो वहां से आते हैं और आपको दिखाते हैं गोमती नदी। और अभी अंधेरा भी होने वाला, तो जल्द से जल्द गाड़ी स्टार्ट करके हमको वहां पे पहुंचना पड़ेगा उस पॉइंट पे, फिर हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे और आपको दिखाते हैं गोमती नदी, और कह सकते हैं इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना, नीचे नदी और ऊपर नहर, मतलब नीचे नदी बह रही है और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहर बह रही है। तो दोस्तों सिर्फ आप लोगों के लिए हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ, हमने कहा आपको चल के गोमती नदी दिखा देता, और एक खास बात यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से दोस्तों इकाना स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा जस्ट सामने की तरफ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिल रहा होगी, अगर फ्लड लाइट वगैरह जलती तो आपको अच्छे से देखने को मिलता दोस्तों इकाना स्टेडियम। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आपको दिखाने के लिए गोमती नदी जस्ट मेरे नीचे, और अभी हम लोग उस साइड थे वहां से मैंने आपको कहा था कि अभी हम लोग उधर उस पार चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं भाई साहब, और यहां का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, और आवाज़ें जो आ रही क्योंकि रात का वक्त हो गया, कीड़े मकोड़े चिल्ला रहे हैं, और बाकी ये आप देख सकते हैं ये रहा आपका इंदिरा डैम और ये रही गोमती नदी। तो अगर तो दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये रहा आपका किसान पथ, और वो रहा आपका इंदिरा डैम, और ये रहा आपका यहाँ पे गोमती नदी, और ये कहते हैं मतलब जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो ये पानी दोस्तों ऊपर तक चला जाता है, और बाकी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और बाकी अभी मैंने आपको इंदिरा डैम पे तो पानी दिखाया ही था कितना ज़्यादा चल रहा था, कहते नहीं बढ़ाव चल रहा था पानी में, वो चल रहा था तो आपको दिखाया था, और बाकी ये रहा आपका गोमती नदी। तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे एक नाव चल रही है गोमती नदी में, मछली वगैरह पकड़ी जा रही है कि इस पार से उस पार जा रहे पता नहीं, बाकी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो इस नदी में आप नाव भी आपको देखने को मिल जाती है, सैर करना अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे आके तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा जब आए हुए थे आपको इंदिरा डैम दिखाने के लिए, और अभी आप चेहरे पे पसीना देख रहे हैं भाई साहब, इतनी गर्मी हो रही है, शाम के वक्त भी आए तो और चेहरे पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद।